गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 6 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर की क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर्स के वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, जिसके बाद हम जो पीडीएफ फाइल है वो व्हाट्सएप पर ही आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, 1 फरवरी से किस ऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे, जिसमें 3री से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शामिल किया जाना है। तो ये है अवसर ऐप के द्वारा। 1 फरवरी से अवसर ऐप के माध्यम से स्टूडेंट असेसमेंट्स टेस्ट ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, जिसमें 3री से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शामिल किया जाना है और 10वीं और 12वीं के एग्जाम ऑफलाइन होंगे। दिसंबर माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से केवल बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। अवसर ऐप पर मूल्यांकन परीक्षा के प्रश्न 24 घंटे यानी कि सुबह 8 बजे से अगले दिन की सुबह 8 बजे तक उपलब्ध होंगे। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार जिस समय उनके पास मोबाइल उपलब्ध होगा इस परीक्षा का हिस्सा बन पाएंगे। इसके बाद है, विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पाकालीन साइटों में शुमार हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई फरवरी में फिर से शुरू होगी। इस सभ्यता का पहली बार कब पता चला था और इन टीलों पर खुदाई कब शुरू की गई है? तो इसका पता चला था सन 1997 में। राखीगढ़ी गाँव में यह सभ्यता 550+ एकड़ भूमि में फैली हुई है। फरवरी में डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर वसंत सिंधे नानोद के राखीगढ़ी गांव आएंगे और साइट का अवलोकन करेंगे। इस साइट में किस टीले पर फिर से खुदाई शुरू की जाए उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। अभी तक महज 1% जमीन पर ही खुदाई हुई है। इस पर 9 टीले हैं, जिनमें से टीला नंबर 1, 2, 4, 6 और 7 पर खुदाई हो चुकी है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में कितने FPO बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 1000 FPO बनाने का। हरियाणा में फिलहाल 486 किसान उत्पादक संगठन हैं, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। करीब 76,000 किसान इन FPO से जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया है कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 1000 FPO बनाने का लक्ष्य है। क्लस्टर निर्माण के आधार पर यह FPO बनाए जाएंगे। इसके बाद है, इन प्रोजेक्टों पर करीब 45.64 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इन FPO से जुड़े बागवानी किसान अपनी फसल की अच्छी से ग्रेडिंग, पैकिंग व मूल्य संवर्धन उपरांत दूसरे राज्यों में व्यापारियों को फसल बेचकर अपनी कमाई भी बढ़ा सकेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 10 टन स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए हरियाणा के किस जिले के साथ MOU साइन किया है? तो ये साइन किया गया है हिसार के साथ। स्फैक यानी कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने हिसार से 10 टन स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से MOU कराया है। किसानों के लिए अगले वर्ष के लिए उच्च गुणवत्ता की स्ट्रॉबेरी के 50,000 पौधे अमेरिका से मंगवाए जा रहे हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने निजी कंपनियों के साथ सिरसा के किसानों का भी अनुबंध कराया है, जो कि 700 टन किन्नु खरीदेगी। तो यहाँ पर हिसार का जिक्र हो रहा है। प्राचीन समय में हिसार हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में यहाँ कई आदिवासी जाति भी रहती थी। इन जातियों में भरत, पुरु, मुजावत और महावृष प्रमुख थी। यहाँ पर सम्राट अशोक के काल का एक स्तंभ भी है। कुषाण वंश के सिक्के और अन्य अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, हरियाणा में कितने साल तक की आयु वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 55 साल तक की आयु वाले कर्मचारियों को। 55 साल तक की आयु वाले कच्चे कर्मचारियों को अब पक्का किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त संस्थानों में एडहॉक अनुबंध, वर्क चार्ज्ड या दैनिक आधार पर लगे कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। जितना समय उन्होंने सरकारी सेवा में लगाया होगा उतना ही समय उनकी आयु सीमा से घटा दिया जाएगा। इस तरह 55 साल की उम्र तक के कच्चे कर्मचारी भी पक्की नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे।
सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नौकरी के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रहेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सेना में रहते अपंग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और 2 साल से पति से अलग रह रही महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। यानी कि यह लोग 47 साल की उम्र तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगों को आयु सीमा में 10 साल की छूट भी दी गई है। अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगों को 5 साल की और अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के किस नगर निगम का एजी के माध्यम से स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है गुरुग्राम व फरीदाबाद में ये कराया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय एवं गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद और गुरुग्राम निगमों का एजी के माध्यम से स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने पार्षदों के लिए मेंबर्स रूम बनाने के आदेश भी दिए हैं। गुरुग्राम के द्वारा सदन की बैठकों में प्रस्ताव पारित करने के बाद 1 वर्ष के प्रस्तावों की समीक्षा भी की जा रही है। इसके बाद है हरियाणा के जो गांव लाल डोरा में आते हैं उनके टाइटल सर्टिफिकेट को किस स्कीम के तहत पंचायत दे के पक्ष में जारी करना अनिवार्य किया गया है। तो ये किया गया है स्वामित्व स्कीम के तहत। हरियाणा के गांवों में स्वामित्व स्कीम के तहत सार्वजनिक उपयोग भूमि के अंतर्गत पंजीकृत पंचायत घर, स्कूल, डिस्पेंसरी, वाटर वर्क्स, जोहड़, पटवारखाना, आंगनवाड़ी तथा सार्वजनिक गली जो लाल डोरा में आते हैं उनके टाइटल सर्टिफिकेट को पंचायत दे के पक्ष में जारी करना होगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 1857 की क्रांति की याद में भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अंबाला के अंदर। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी एवं शहादत को नमन करने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ रुपए की लागत से भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। आमजन कोई भी वस्तु जो कि 1857 की क्रांति से हो को हरियाणा सरकार की धरोहर के लिए भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अंबाला का जिक्र हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अंबाला की स्थापना अम्बा नामक राजपूत शासक के द्वारा की गई है। अंबिका माता का मंदिर होने के कारण इसका नाम अंबाला भी पड़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आम की पैदावार अधिक होती थी इसीलिए इसे अंबवाला कहा जाता था जो कि अब अंबाला बन गया। संस्कृत के गहन अध्ययन के लिए अंबाला छावनी में श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भी विद्यमान है। यह शहर अमृतसर और दिल्ली से सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से भी एक है। अंबाला में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर भारत का प्रमुख वायुसेना मुख्यालय भी स्थित है। यहाँ पर पटेल पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क, इंदिरा पार्क तथा महावीर उद्यान पार्क भी स्थित हैं। इसके बाद है हरियाणा के मौनी हिल्स में किसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा पर्यटन की गतिविधियों को का आयोजन। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मौनी हिल्स में 7 फरवरी को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर पंचकुला का जिक्र हो रहा है। पंचकुला शब्द संस्कृत से लिया गया है। यह पंच और कुला से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है 5 नहरों का शहर। इस शहर की स्थापना 15 अगस्त 1995 को की गई थी। पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी स्थित है, गिर प्रजनन केंद्र जो कि 1992-93 के अंदर बनाया गया था और गिद्ध प्रजनन केंद्र जो कि 2006 के अंदर बनाया गया था। पंचकुला में योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी स्थित है। इसके अलावा प्रसिद्ध टिक्कर ताल जो झील है वो भी पंचकुला में ही स्थित है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने खाद्य विभाग के ACS पीके दास को हाल ही में किस विभाग का ACS बनाया है। तो ये बनाया गया है बिजली विभाग का। हरियाणा सरकार ने खाद्य विभाग के ACS यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अब बिजली विभाग का ACS बना दिया है। पीके दास पहले भी बिजली विभाग में कई दफ़ा ACS का चार्ज संभाल चुके हैं। वर्तमान में उनके पास खाद्य विभाग के ACS का चार्ज था। वहीं अमित अग्रवाल को नया DPR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल रेगुलेशंस बनाया गया है। इससे पहले IAS अधिकारी PC मीना DPR के पद पर रहे थे। पीके दास, अमित अग्रवाल समेत 24 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिविजन टेस्ट भी लगा लेते हैं।
तो पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी से किस ऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे, जिसमें 3री से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शामिल किया जाना है। तो ये देंगे अवसर ऐप के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पाकालीन साइटों में शुमार हरियाणा के राखी घड़ी में खुदाई फरवरी में फिर से शुरू होगा। इस सभ्यता का पहली बार पता कब चला था और इन टीलों पर खुदाई कब से शुरू की गई है? तो इसका पहले पता चला था 1997 में। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में कितने FPO बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 1000 FPO बनाने का लक्ष्य। इसके बाद है, हाल ही में फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 10 टन स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए हरियाणा के किस जिले के साथ MOU साइन किया है? तो ये क्या है? हिसार के साथ। हरियाणा में कितने साल तक की आयु वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 55 साल तक की आयु उम्र वाले कर्मचारियों को। हरियाणा के किस नगर निगम का AG के माध्यम से स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम। हरियाणा के जो गांव लाल डोरा में आते हैं, उनके टाइटल सर्टिफिकेट को किस स्कीम के तहत पंचायत देह के पक्ष में जारी करना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है स्वामित्व स्कीम के तहत। हरियाणा के 21 जिले में 1857 की क्रांति की याद में भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अंबाला के अंदर। हरियाणा के मोर्नी हिल्स में किसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पर्यटन को। हरियाणा सरकार ने खाद्य विभाग के ACS PK दास को हाल ही में किस विभाग का ACS बनाया है? तो ये बनाया है बिजली विभाग का। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ई संजीवनी OPD सिस्टम लागू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये पानीपत में लागू किया गया है। इस योजना के तहत चिकित्सा विशेषज्ञों व डॉक्टरों का समूह बनाया गया है, जिसके तहत रोग को घर पर ही मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध करवाया जाता है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अपने स्मार्टफोन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद वीडियो कॉलिंग या वेब कैमरे के जरिए रोगी से चिकित्सक बात करके उचित दवाई बताएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, महेश चंद्र की, सुभाष शर्मा की, चंद्रभान की या नकुल देव की। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।